हाँ जी, तो बाकी रिएक्शंस हमारे पास चल रहे थे, अब हमारे पास रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पहली बात मैं आपको बता दूँ, सल्फ्यूरिक एसिड की आयनाइजेशन के बाद हमें मिलता है एच पॉजिटिव, एच एस ओ फोर नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पर है। मैं ओपन करके लिखती हूँ। अब मैं अगर इसको सिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करूँ, आप सबको अब रूल पता चल चुका है, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, CH3 CH2 OSO3H। सेकेंड रिएक्शन याद रखिएगा, इसमें से SO3H को रिमूव करना है, वाटर आएगा, वाटर का OH, H जो है वो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा वापस, OH आके इधर अटैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मेरे पास फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए लाइक दिस, फिर इधर H2SO4 ऐड करें, अब नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा और पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा, OSO3H। वाटर ऐड कर दें, इट विल फॉर्म CH3CHOH एंड CH। प्लस H2SO4, दिस इज अल्फा कार्बन विच इज अटैच टू फर्दर टू बीटा कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल, लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने बताया है, एंड दिस इज प्राइमरी अल्कोहल हैविंग वन अल्फा कार्बन, ये अल्फा है और ये हैविंग वन बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ H2SO4 था। अब मैं अगर यहाँ पर ऐड करती हूँ Cl2 को ऐड करना, तो बेटे ये सिमेट्रिकल है, तो आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को रूल लगा देते, इसमें कोई रूल नहीं है, सिमेट्रिकल है तो कहीं कहीं पर भी ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 CH2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, और इस रिएक्शन को कहते हैं विसिनल, इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइक्लोराइड। और एक है हाइपोहैलस एसिड को ऐड करना है HOX, बेटे ये आयनाइज होकर ना हमारे पास OH नेगेटिव आयन बनाते हैं और X OH पॉजिटिव X नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आयन है ना, आपको इसी रूल का पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक नेगेटिव एक जिस तरफ चला जाएगा, ये जो X का हेलोहेड्रिन बन जाएगा CH2X एंड CH2OH। अगर यहाँ पर क्लोरीन आ जाए तो क्लोरोहेड्रिन, ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमीन ब्रोमोहेड्रिन। ये हमारे कुछ रिएक्शंस थे बेटे, कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।